होता है जो यहाँ पे मम्मा लगाती है। कैसी है बेटा? मैं भी और आज बनेगा ये बैंगन का कलौंजी। ये घर का फ्रेश बैंगन है जो कि माई बगान से तोड़ के लेके आई हैं। और अभी हो रही है यहाँ पे बारिश। ये देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बैंगन के कलौंजी की रेसिपी, किस तरीके से बैंगन की कलौंजी जो है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम चावल को पीस लिए थे और फिर उसके बाद उसमें बेसन डाल दिए थे और उसके बाद इसमें सूखे मसाले में काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, सारे चीज़ों को मैं डाल कर किसे पकौड़े जिस तरीके से तलते हैं वैसे हम इसे बना लेंगे। तो इसमें जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो हम नहीं ऐड कर रहे हैं और स्वादानुसार इसमें नमक डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और पहले इसकी भजिया तलेंगे और फिर उसके बाद ग्रेवी बना करके उसी में बैंगन का जो भजिया तला हुआ रहेगा उसे डाल देंगे और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये चावल के साथ खाने में। तो इसे मैं तैयार कर रही हूँ अपना लंच के लिए। बाकी का सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह में भी सब्जी वगैरह मैं बनाई थी लेकिन बाकी ये जो बैंगन का है वो खाने का मन कर रहा था तो हम लोग इसे बना रहे थे। और ये लोहे की कढ़ाई है, इसी में सारा जो भी चीज़ फ्राई होता है वो इसी में फ्राई करते हैं। तो बस इसमें हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये है तड़का, तो अभी मैं इसमें डालूंगी तड़का। और मसालों का पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें कि लहसुन, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और थोड़े से गरम मसाले। और ये है हमारा टमाटर का प्यूरी। और यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो भून चुका है तो अब इसमें हम ये मसाले का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। पहले टमाटर डालेंगे फिर तेल सेपरेट होने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। सब्जी जो है वो तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। और इसमें हम डालेंगे गरम पानी ग्रेवी के लिए। जब आप गरम पानी डालते हैं तो और भी ज़्यादा स्वाद आता है। और यहाँ पर खाना वगैरह बनाने के बाद क्लीनिंग का काम चल रहा है तो किचन का जो स्लैब है पहले उसको साफ़ करेंगे। और आज किचन में पानी भर गया था तो बस उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ गया खाना बनाते बनाते। तो बस किचन का जो फर्श है वो सब धोना है। Thank you.
हम साफ़ कर रहे हैं सिंक, क्योंकि सिंक बहुत गंदा हो गया था। तो सिंक साफ़ करने के बाद पूरा जो फर्श है उसे भी साफ़ करना है। तो बस बारिश हो रही थी और उसी में किचन में पानी भर गया, जिसकी वजह से आज एक और काम बढ़ गया। क्योंकि हम लोग ऐसे नॉर्मल पोछा ही लगाते हैं, लेकिन आज इसे पूरा धोना पड़ रहा है, पूरा जो पानी है वो फैल गया है। तो बस इसे भी हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद अपना जो लंच है वो करेंगे, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा पानी जम गया था। तो बस फिसलने की वजह से इसे हम पहले काम फिनिश करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। क्या हो गया मेरे बेटा को? बुखार लगे। ओ मेरा बच्चा को बुखार लग गया। बुखार लग गया। हाँ। और बेटा जी सुबह में बारिश हो रही थी। हाँ। आप क्या कर रही थी सुबह में? सुबह में ही होता। क्या कर रही थी सुबह में जब बारिश हो रही थी? तो सोई थी। सोई हुई थी। हाँ। और मम्मा का गोदा में। हाँ। आरू को बुखार लग गया है और आरू सोई हुई है, और आलू को आज ट्यूशन भी नहीं जाना है। टीचर भी जा रहा है। नहीं जाना बेटा, तबीयत खराब है ना बेटा को? नहीं, पढ़ाई करना है बेटा को। क्या पढ़ाई करना है? अद्युत का पढ़ाई करना। अद्युत क्या क्या पढ़ाई करना है? अब मम्मा क्या सिखाई थी कल आपको बनाना? क्या बनाने के लिए सिखाई थी? ड्राइंग करने के लिए। ड्राइंग करने के लिए स्टार, बटरफ्लाई, ट्री, हाउस और काइट। काइट कैसे बनाओ? काइट नहीं आ रहा बनाने बेटा को? नहीं। बेटा जी कैसे बोलते दो घूंट? दो घूंट बच्ची खिलाने खिलाने देती। अरे बेटा मेरा कितना अच्छा गाना गाता है। हाय गाइस, ये हमारी जो चाय है वो बन चुकी है और ये है मेरी चाय। तो अभी मैं पीऊंगी अपनी चाय। चाय वाले दिए अच्छी जा, तुम आप रख लो चाय ना। हम रख ले ले अपना पानी जा। पानी का राम ले मस। तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में अपने चाय को ले करके, और यहाँ पे मुझे चाय की बहुत ही ज़्यादा लत लग गई है, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी है और ठंड में सबसे ज़्यादा अगर प्यारा कुछ भी लगता है तो वो है चाय। चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ठंड के मौसम में, और यहाँ पे मैं 3 से 4 बार चाय पी ले रही हूँ, जबकि मैं चाय बिल्कुल मतलब पीती नहीं थी। एक बार पीती थी सुबह में, उसके बाद नहीं पीती थी। और आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग अपनी सिस्टर की शादी में आए थे और हमारा था प्लान कि शादी के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर से कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो फ़िलहाल हम लोग तो बेंगलोर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे भी काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, और फिर इसमें ट्रैवल करना वो भी बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं है, सेफ नहीं है। वैसे आरुप की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कल रात में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। तो इसमें तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह अवॉइड करना ही सही रहेगा, और जब तक कोरोना कम नहीं होगा हम लोग नहीं कहीं जा रहे हैं, यहीं पे भी रहना है। और आप लोगों को अच्छी अच्छी ब्लॉग्स में शेयर करूंगी ससुराल में मेरा कैसे टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि बेंगलोर में और यहाँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। वहाँ का रूटीन, यहाँ का रूटीन, हर चीज़ चेंज होता है। तो बस यहाँ के रूटीन के अनुसार मैं कैसे खुद को
रखती हूँ वो सारी वीडियो आपको मिलेगी, कैसे सुबह का मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है बेंगलोर और यहाँ में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मॉर्निंग मेरी कैसी रहती है उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ मैं फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।